बेस्ट लाइन कलेक्शंस में आपका इस्तकबाल है। मैं बेस्ट लाइन कलेक्शन चैनल का शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम हजरात, तन हमा दाग दाग शुद पुंबा कुजा कुजा न हम। आज मैं मौजूदा मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से कुछ इजहार ख्याल करना चाहता हूँ। मदारिस इस्लामिया की ज़बरदस्त तारीख है और ये वही मदारिस इस्लामिया हैं जहाँ से एक आलिम और मुफ्ती, मुजाहिद आज़ादी, दानिश्वर, मुफक्किर, कायद पैदा हुए और उन्होंने मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संभाला। अगर मैं चंद नाम भी लूँ तो गुफ्तगू तवील हो जाएगी। हर मैदान में मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा और मदारिस इस्लामिया के फारिग तहसील उलमा ने मुल्क और मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए अहम रोल अदा किया है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी के ताल्लुक से सबसे पहला फतवा और राय जिस ज़ाते गिरामी ने दी वह हज़रत मुहद्दिस अब्दुल अज़ीज़ दहलवी अली रहमत की ज़ाते गिरामी है। फिर उनके बाद उनके शागिर्द हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया और जब अंग्रेज़ ने अपनी अदालत में उनसे पूछा तो बजर साहब ने ये कहा कि ये फतवा मेरा ही है और अब भी यही मेरा फतवा है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात और मामलात हैं जो मदारिस इस्लामिया से वाबस्ता हैं। इसलिए मदारिस इस्लामिया हमेशा मिल्लत इस्लामिया के सर का ताज रहा और वहाँ से फारिग उलमा का एहतराम किया जाता रहा और दारुल इफ्ता से लेकर दारुल क़ज़ा तक और स्टेज से लेकर असेंबली तक हर जगह यहाँ के फर्जंदों का एक मकाम रहा है। ये हमारी तारीख है जिसको हम भी जानते हैं और हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है। लेकिन अफसोस कि इस वक्त मदारिस इस्लामिया का बहुत बुरा हाल है। मदारिस इस्लामिया का क़याम जिस मकसद के लिए हुआ आज वो मकसद फौत होता नज़र आ रहा है, नहीं बल्कि फौत हो चुका है। मदारिस इस्लामिया अब सिर्फ रोज़ी रोटी का ज़रिया बनकर रह गया है और मदारिस इस्लामिया चलाने वाले इंतज़ामिया कमेटी का कोई नस्बुल ऐन नहीं है और वहाँ से फारिग उलमा के अंदर वो सलाहियत और काबिलियत नहीं है जो उनके बुज़ुर्गों के अंदर होती थी। और मदारिस इस्लामिया से फारिग तहसील उलमा जो हर मैदान के फ़िक्र अमल के हीरो और कायद माने जाते थे, आज मदारिस इस्लामिया के फारिग उलमा इन सारी तरक्कियों और कामयाबियों से बहुत दूर जा चुके हैं। चंद ऐसी शख्सियतें हैं लेकिन उमूमन इस वक्त मदारिस इस्लामिया ज़बरदस्त ज़वाल का शिकार है। यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि मदारिस इस्लामिया को हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद खैर के लिए क़ायम किया
पहले उसको सामने लाया जाए और उस मकसद को हासिल करने के लिए इंतज़ामिया कमेटी को भी मुतहर्रिक होना पड़ेगा और वहाँ दर्श देने वाले असातिज़ा और उलमा को भी फ़ाल बनना होगा। आज मदारिस इस्लामिया ज़बरदस्त ज़बूहाली का शिकार है और ख़ास तौर पर वो मदारिस जो गवर्नमेंट से एडिट हैं वहाँ तालीम व तरबियत का ज़बरदस्त फुकदान है। पहले मदारिस इस्लामिया में असातिज़ा की जगह निकलती थी तो काबिल और फायक और होनहार मुतहर्रिक व फ़ाल बासलाहियत और ज़ी इस्तेदाद असातिज़ा की तलाश होती थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। सदर ये चाहता है कि मेरा बेटा आ जाए, सिक्योरिटी ये चाहता है कि मेरा भांजा आ जाए, जिसका नतीजा ये होता है कि वो मदारिस इस्लामिया जो क़यादत का सबब बनते थे अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ी रोटी कमाने और हासिल करने का ज़रिया बन चुके हैं। इसलिए हमें तय करना होगा और पूरी इज्तमाईयत और क़ुव्वत और इस्तेहकाम के साथ उठना होगा और मदारिस इस्लामिया के मकासिद को सामने रखते हुए हमें ज़बरदस्त तरीके से उसकी इसलाह करनी होगी। यही सब वो ख़राबियां हैं, यही सब वो असबाब हैं जिसकी वजह से आज मदारिस इस्लामिया का जो मकाम मिल्लत के नज़दीक होता था आज वो मकाम नहीं है। यहाँ के उलमा और यहाँ के फारिग फर्जंदों का जो एज़ाज़ो इकराम होता था वो सब ख़त्म हो चुका है। देखिए हर दौर में इस्लाम की तरक्की, इस्लाम की इशाअत, मिल्लत की तरक्की, मिल्लत की इशाअत का ज़रिया मदारिस इस्लामिया होते थे, लेकिन आज अगर काहिलों और आराम पसंदों की जमात को अगर तलाश करना हो तो वो मदारिस इस्लामिया पहुंच जाएं, तो वहाँ वो देखेंगे कि जो हमारा नसबुलैन था, हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए मदारिस इस्लामिया को क़ायम किया वो सब फना हो चुका है। इसलिए ज़रूरत है कि नए सिरे से मदारिस इस्लामिया के माजी, हाल और मुस्तकबिल और मदारिस इस्लामिया से फारिग तहसील उलमा और वहाँ दर्स देने वाले असातिज़ा की ज़िम्मेदारियों पर गौर करना होगा और उनको अपनी उन सिफात से दूर रहकर मकसद खैर की तरफ बढ़ना होगा। वगरना अगर ये सिलसिला रहा तो माजी करीब नहीं बल्कि मुस्तकबिल करीब नहीं बल्कि हाल में हम ये देखेंगे कि हमारी मिल्लत में, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, मुल्क में मदारिस इस्लामिया की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। हमारी मुखालिफ और तागुती ताकतें यही चाहती हैं कि जहाँ से इस्लाम तरक्की किया, दीन फला और फूला, मिल्लत परवान चढ़ी, उन मदारिस इस्लामिया को अपनी एक मुकम्मल पॉलिसी के तहत ऐसा खोखला बना दिया जाए कि जिस मकसद के लिए मदारिस इस्लामिया का क़याम आया था वो मकसद पूरे तौर पर फौत हो जाए। इसलिए मैं खादिम में मुल्क मिल्लत की हैसियत से मदारिस इस्लामिया के बानियान, मदारिस इस्लामिया की इंतज़ामिया कमेटी, मदारिस इस्लामिया
के ट्रस्ट और यहाँ दर्श देने वाले असातिज़ा और यहाँ से फारिग होने वाले उलमा से गुजारिश करूँगा कि आप आइए और नई सुबह की तलाश कीजिए और फिर उस रोशनी में कदम आगे बढ़ाइए। क्या ये तारीख नहीं है कि मुल्क का कोई मसला हो या मिल्लत का कोई मसला हो, उन तमाम मसाइल को इन्हीं मदारिस इस्लामिया से फारिग तहसील उलमा ने हल किया है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि उस पर नए सिरे से गौर किया जाए और फिर जो कमियां सामने आए उसे बचा जाए और जो खूबियां निकल कर आएँ उसको अपनाया जाए। मोहतरम हजरात, यही सब वो असबाब हैं कि हमारी सोसाइटी में मदारिस इस्लामिया की जो अहमियत माजी में थी, आज मदारिस इस्लामिया की वो अहमियत नहीं है। उलमा की जो हैसियत पहले थी, आज वो हैसियत देखने में नहीं मिल रही है, इसलिए कि हमारे अंदर वो सिफात आलिया नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत कुछ खूबी है भी तो हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं महसूस किया, अपने मकसद को नहीं जाना। आप याद रखिए कि अगर मदारिस इस्लामिया का वक़ार मजरूह हुआ, मदारिस इस्लामिया की हैसियत ख़त्म हो गई, तो फिर कौम और मिल्लत का और हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का क्या हाल होगा, उसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अपने मुख्तसर बयान के ज़रिए से ये पैगाम फ़िक्र अमल दूंगा कि मदारिस इस्लामिया जो मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उसके मकसद को पहचानने की कोशिश की जाए। आज मदारिस इस्लामिया का निसाब तालीम नहायत कमज़ोर और अधूरा होकर रह गया है। ये ज़रूर दावे किए जा रहे हैं, ये ज़रूर कोशिश की जा रही है कि वक्त का और हालात का तकाजा ये है कि मदारिस इस्लामिया में भी जदीद और असरी उलूम को शामिल किया जाए, और बहुत से मदरसों में शामिल किया जा चुका है, लेकिन इसका नतीजा जो निकलना चाहिए वो कमा हक हो, हम उस नतीजे को अपनी आँखों से नहीं देख रहे हैं और वो नतीजा हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए मदारिस इस्लामिया के निसाबी तालीम पर भी गौर करना चाहिए। कदीम उलूम के साथ साथ जदीद उलूम को भी शामिल करने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन जदीद उलूम के शामिल करने का कतअन ये मतलब नहीं है कि कदीम उलूम के तकाज़ों को पसपुश डाल दिया जाए। इसलिए कि हमारे आईन में, हमारी पॉलिसी में, हमारी फ़िक्र में, हमारे अमल में इस्लाम और ईमान का उनसर इस कदर रचा और बसा है कि हम एक लम्हे के लिए भी हम उससे सुबहदोश नहीं हो सकते। आज बहुत अफसोस होता है कि जब स्टेज के ऊपर हमारे मुल्क के अरबाब इल्म दानिश आते हैं तो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं, लेकिन उनके घर में ख़ुद इस्लाम नहीं है, ख़ुद कदीम इल्म नहीं है, न इल्म की रोशनी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारा दानिश्वर तबका जदीद उलूम के मैदान में अगरचे मंजिल की इंतहा तक पहुँच गए, लेकिन उनके अंदर कदीम उलूम की रोशनी भी ज़रूरी है। और कदीम उलूम वाले अगरचे बड़े बड़े आलिम और फाजिल हो गए,
लेकिन जदीद उलूम हासिल न करने की वजह से आज वो दुनिया के तकाज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब तक जदीद और कदीम उलूम का संगम बनकर इस्लामी मदरसे के पढ़े हुए फर्जंद और उलामा मैदान में नहीं आएंगे, उस वक्त तक अब मदारी इस्लामिया का वक़ार बुलंद नहीं होगा। यह हमारे समाज की कमी है कि हमारे घर में जो ज़हीन और फतीन बच्चा पैदा होता है उसे स्कूल और कॉलेज में दाखिल कर दिया जाता है, और जो किसी लायक नहीं होता उसे मदरसे की राह दिखाई जाती है। इसमें किसका कसूर है इसको समझने की ज़रूरत है, और मैं ये कहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा कसूर इंतज़ामिया कमेटी और मदारिस इस्लामिया के अहबाब अरकान और मदारिस इस्लामिया से फारिग तहसील उलमा और वहाँ के असातिज़ा का है। लिहाजा हमें इन तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए और मदारिस इस्लामिया के निसाब पर नज़रसानी करके उसको वक्त के तकाज़ों से हम आहंग करते हुए मदारिस इस्लामिया की राह आसान करते हुए लोगों तक इसका पैगाम पहुंचाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं और मैं बेस्ट लाइन कलेक्शन चैनल का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मुल्क को मिल्लत के नाजुक पहलू पर मुझे इजहार ख्याल करने का मौका अता फरमाया।